देखो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर मैं उन 7 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको हुंडई कंपनी इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। बेसिकली ये वीडियो होने वाला है हुंडई के अपकमिंग कारों के ऊपर जिनको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। अगर आपको भी हुंडई की किसी कार का इंतजार है लेकिन आप रुके हुए हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आप एंड तक देख सकते हैं। शायद जिस कार का आप इंतजार कर रहे हैं वो बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च हो जाए। जो सबसे पहले कार आती है जिसको हुंडई कंपनी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है वो है न्यू जनरेशन वेरना। अब यहाँ पर न्यू जनरेशन वेरना का टेस्टिंग चल रहा है, ये टेस्टिंग फेज में है, इसको भी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। इसके एक्सटीरियर में चेंजेस करे जाएंगे, इसके इंटीरियर को अपडेट किया जाएगा, बहुत सारे नए फीचर्स को ऐड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जो करंट मॉडल इंडियन मार्केट में बिक रहा है उसका सेल काफी ज्यादा नीचे आ चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल, लेकिन सेडान सेगमेंट का सेल ही नीचे आ चुका है। तो इसी वजह से हुंडई कंपनी न्यू जनरेशन हुंडई वेरना को लाने की तैयारी कर रही है जिसके एक्सटीरियर में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नया लाइटिंग सेटअप मिलने वाला है, नए बम्पर्स मिलेंगे, नए ग्रिल्स का सेटअप दिया जाएगा फ्रंट फीशा में, और साथ ही में इसका एलईडी टेल लाइट आपको कंप्लीटली नया देखने को मिल जाएगा। हुंडई कंपनी अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में रिवील करेगी, उसके बाद इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा ऑफिशियली। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है अल्केजर का सीएनजी मॉडल। हालांकि लास्ट ईयर ही अल्केजर इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है लेकिन इसको जितना रिस्पॉन्स मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसके अंदर हुंडई कंपनी अपडेट पर अपडेट ला रही है। अब इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिल जाएगा। अल्केजर के सीएनजी मॉडल के अंदर आपको माइनर से चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, हालांकि इसके एक्सटीरियर में और इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस करे जाएंगे, इतने भी बड़े अपडेट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ इसके अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी टैंक मिल जाएगा जिसकी मदद से आपको अच्छा खासा माइलेज मिलने वाला है। जो करंट मॉडल इंडियन मार्केट में बिकता है अल्केजर का वो लगभग 14 से लेकर 20 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देता है, लेकिन सीएनजी किट के साथ इसका माइलेज बताया जा रहा है 25 किलोमीटर पर केजी का, क्योंकि आज के डेट में अर्टिगा के अंदर आपको कंपनी फिटेड सीएनजी किट मिल जाएगा जो कि एक एमपीवी कार है, और अर्टिगा सीएनजी किट के साथ लगभग 26 का माइलेज दे देती है। तो यहाँ पर अल्केजर के अंदर भी आपको 24 या फिर 25 का माइलेज मिल सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। इसके सीएनजी मॉडल की कीमत आपको थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल जाएगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल मॉडल, और इस दिवाली के आसपास अल्केजर का सीएनजी मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। जो थर्ड नंबर की कार आती है जो पोजीशन अल्केजर के नीचे होने वाली है और ये कार कम्पीट करेगी अर्टिगा के साथ वो है स्टारगेजर। ये कार सीधा टक्कर देगी अर्टिगा को। आज के डेट में अर्टिगा के ऊपर आपको काफी ज्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा और अर्टिगा काफी ज्यादा बिकती है इंडिया में, तो यहाँ पर अर्टिगा को टक्कर देने के लिए हुंडई की स्टारगेजर इंडियन मार्केट में आने वाली है जिसका एक्सटीरियर लुक काफी जबरदस्त है और रियर का फिश आपको काफी खतरनाक देखने को मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर इस कार का एक्सटीरियर लुक कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, लेकिन आपको इसका लुक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो हुंडई कंपनी इस एमपीवी कार को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है और इस कार की जो एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है वो लगभग 9 या फिर 10 लाख रुपए बताई जा रही है, यानी इसके बेस मॉडल को लेने के लिए आपको 9 या फिर 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर हुंडई इसको अट्रैक्टिव प्राइसेस के साथ इंडियन मार्केट में लॉन्च करती है तो डेफिनेटली ये अर्टिगा को टक्कर देने वाली है। जो फोर्थ नंबर की साइज एसयूवी कार आती है जिसको हुंडई कंपनी बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है वो है पैलेसाइड। इस एसयूवी कार को ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, पसंद भी क्यों ना किया जाए, इसका लुक आपको जबरदस्त देखने को मिल जाएगा, इसका इंटीरियर काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स आपको हुंडई के इस एसयूवी कार के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जब ये कार इंडियन मार्केट में लॉन्च होगी तो ये सीधा टक्कर देगी फॉर्च्यूनर को, कोडियाक को, और डेफिनेटली ये लॉन्च होने के बाद तबाही से मचा देगी। लेकिन हुंडई कंपनी अगर इसकी कीमत अट्रैक्टिव रखती है तो डेफिनेटली ये आग ही लगा देगी पूरे इंडियन मार्केट में। इस कार के इंटीरियर में आपको काफी प्रीमियम लेवल के फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं और इसका फ्रंट का फीचर देखने में काफी ज्यादा मस्कुलर लगता है। हुंडई कंपनी पैलेसाइड को अगले साल के स्टार्टिंग में इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 50 लाख। आपके हिसाब से इस कार की कीमत कितनी होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वही जो फिफ्थ नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा वो है क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल। रिसेंटली इसको ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया गया है और इसको अभी इंडियन मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। हुंडई वो गलती नहीं करने वाली जिस तरह से ट्यूसन के साथ गलती करी थी, यानी ग्लोबल मार्केट के अंदर न्यू जनरेशन मॉडल बिक रहा था और 2 साल के बाद वो मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पर डेफिनेटली क्रेटा के साथ ये चीजें नहीं होने वाली क्योंकि आज के डेट में क्रेटा को काफी बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है। इसका फ्रंट का फीचर आपको ट्यूसन से इंस्पायर देखने को मिल जाएगा, इंटीरियर में बहुत सारे अपडेट्स करे गए हैं और रियर का फीचर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल डेफिनेटली तबाही सी मचा देगा, लेकिन सब कुछ चीजें डिपेंड करती है इसके लॉन्चिंग के ऊपर। कुछ रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि हुंडई कंपनी इस कार को दिवाली के आसपास इंडिया में लॉन्च करेगी, और कुछ रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि क्रेटा को अगले साल के स्टार्ट
स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। जैसे ही क्रेटा का फेसलिफ्ट मॉडल इंडियन मार्केट में लॉन्च होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। और जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसको बहुत जल्दी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा वो है आयोनिक 5। ये हुंडई की अपकमिंग एवी कार होने वाली है। हालांकि इसको प्रीमियम एवी सेगमेंट के अंदर उतारा जाएगा। इसके अंदर आपको काफी बढ़िया फीचर्स देखने को मिल जाएंगे और इसका लुक भाई नेक्स्ट लेवल है ही। इस कार को किया कि EV6 के प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डअप किया गया है, यानी दोनों ही कारों को भाई बहन बोल सकते हैं। और रिसेंटली किया कंपनी ने EV6 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। किया EV6 को अगर आपको लेना है तो आपको देने पड़ेंगे 60 लाख रुपए, और यहाँ पर हुंडई आयोनिक 5 को लेने के लिए भी आपको लगभग सेम पैसे देने पड़ेंगे। यानी 60 या फिर 65 लाख रुपए से आयोनिक 5 की कीमत इंडिया में स्टार्ट हो सकती है। इसको अगले 1-2 महीनों के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली किया ने EV6 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया था। तो ये 7 कारें थी जिनको हुंडई कंपनी इस साल के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग तक इंडियन मार्केट में लॉन्च कर सकती है। इनमें से कुछ कारों के लॉन्चिंग में डिले भी हो सकता है या फिर शायद उन कारों को थोड़ा सा जल्दी भी लॉन्च किया जा सकता है। इनमें से किस कार का वेट कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको आने वाले समय में एक नई कार लेनी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपने एंजॉय किया। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।